जी बिल्कुल सही है। नैब का अपना देखिए तरीका कार रहा है, उसमें कई फैसले आ चुके हैं। हमारे साथ ही रहेगा, अपडेट करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को फौरी रिहा करने का हुक्म, और इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मुझे हाईकोर्ट से अगवा किया गया है, मुझे डंडे मारे गए हैं, ऐसा तो किसी क्रिमिनल के साथ भी नहीं होता है। इमरान खान ने गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मौके गिरफ्तार किया गया था कि गिरफ्तारी को कलदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सबात हुई और कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट मंगल के रोज पहुंचे थे मुख्तलिफ केसेस में जमानत के लिए। उस दौरान उन्हें आते अदालत से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आज उसकी समाअत हुई दरख्वास्त पर, जिसमें इमरान खान ने यह मौकिफ अपनाया था कि मेरी गिरफ्तारी को कलदम करार दिया जाए, गैर कानूनी करार दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी और चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट कल केस की समाअत करे, हाईकोर्ट में कल आप पेश हो, हाईकोर्ट जो भी फैसला करे आपको मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को कल हाईकोर्ट से रुजू करने की हिदायत भी की, और ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मनाजिर हैं, इमरान खान को रिहा करने के अहकाम जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। माहिर कानून शहबाज खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज खोसा साहब, आपसे पहले भी बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट